नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे फ्रेंच डिफेंस में हाल ही में खेला हुआ एक टैक्टिकल गेम है। फ्रेंच डिफेंस की मूव्स e4 e6। ये गेम साहिल डे और श्रेयस पटनायक में खेला गया है। d4 d5 नाइट d2, नाइट इसको e4 को प्रोटेक्ट कर दे। कभी कभी ये नाइट c3 पे भी लिया जाता है। डी क्रॉस e4 तक ये स्टैंडर्ड मूव फ्रेंच डिफेंस के है, फिर भी स्टैटिस्टिक्स से ऐसे देखा गया है कि ये मूव खेलने से ब्लैक बहुत कम बार जीता है। ब्लैक के जीतने के चांसेस सिर्फ 14% है। स्टैंडर्ड मूव है, लेकिन इससे अच्छा ये होता था कि नाइट f6 नाइट डेवलप कर दा। आगे सफेद e5 खेल के उसको थ्रेट देता था और फिर ही लाना पड़ता था नाइट, लेकिन वो ठीक मूव थी। या दूसरी मूव है c5 खेलना और d4 को थ्रेटन करना। तो इसने डी क्रॉस e4 खेला, नाइट क्रॉस e4, नाइट d7, नाइट f3, नाइट f6 है, दोनों नाइट एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस पोजीशन में जनरली सफेद नाइट क्रॉस f6 करता है, फिर नाइट क्रॉस f6, बिशप d3, बिशप h7 को थ्रेट दे रहा है। c5 इसने पॉन को थ्रेटन किया, बिशप e3 पॉन के प्रोटेक्शन में, नाइट टू d5 बिशप को थ्रेटन किया, क्वीन टू e2 नाइट क्रॉस e3, एफ क्रॉस e3, क्वीन टू a5 इसने खेला। अभी ये मूव भी ठीक नहीं समझी जाती है, खामखा किंग को चेक देने से क्या मतलब है। इससे अच्छा ये होता कि वे अपना बिशप डेवलप कर लेता, बिशप e7 खेलता, तो क्वीन टू a5 खेला, c3, a6। इसलिए खेला कि सफेद बिशप जो है यहाँ b5 पे आके चेक दे सकता है। कैसल सी क्रॉल d4, ई क्रॉल d4, बिशप d6, c4। ब्लैक ने कैसल किया, c5 बिशप को थ्रेटन किया, बिशप e7 नाइट e5 f6। अभी f6 ये मूव अच्छी नहीं हुई क्योंकि इसने क्या टैक्टिकल गेम खेला, क्वीन टू h5, और इसको इग्नोर किया। अभी देखिए अगर इसको मारता है तो क्या होता है, एकदम सिंपल है। वीडियो होल्ड करके सोचिए, अगर एफ क्रॉस e5 करता है तो क्वीन क्रॉस h7 और चेक मेट, मेटिंग थ्रेट यहाँ पे थी, तो इसलिए इसने मारा नहीं, इसने fy किया, वो और भी खराब हो गए मूव। इसने रुक क्रॉस fy किया। अब ये पॉन से भी मारता है, रुक से भी मारता है, तो भी प्रॉब्लम है। देखिए फिर से वीडियो होल्ड करके सोचिए, अगर ई क्रॉस f5 करता है तो बिशप टू c4 चेक, किंग h8 और नाइट टू g6 चेकमेट हो जाता है, पॉन पिंड है। तो इसके लिए इसने
मारा नहीं रूप को, इसने G6 खेला, इसके बाद रूक क्रॉस F8, बिशप क्रॉस F8, नाइट क्रॉस G6। अब यहाँ फिर से सोचिए, एक बड़े टैक्टिकल मूव है, नाइट को ये क्यों नहीं मार सकता है ब्लैक के लड्डू, वीडियो होल्ड करके सोचिए। अगर ये मार देता है एच क्रॉस G6, क्वीन क्रॉस G6 चेक, बिशप G7, रुक F1, F5 को ब्लॉक किया, क्वीन क्रॉस A2, या ऐसे ही इसने खेला क्योंकि क्वीन H7 एंड चेकमेट। तो इसलिए इसने मारा नहीं यहाँ पे, इसने क्वीन टू D8 खेला, नाइट E5, क्वीन E7, रूक F1, ये अच्छी मूव है, F5 ओपन है, इसके ऊपर रूक को ला के रखा, क्वीन टू G7, रूक टू F7, बिशप D7, बिशप क्रॉस H7 किया। अगर ये क्वीन क्रॉस H7 करता तो भी चलता था, देखते हैं। क्वीन क्रॉस H7 चेक, क्वीन क्रॉस H7, बिशप क्रॉस H7 चेक, किंग H8 और नाइट G6 एंड चेकमेट, ये भी मूव हो सकती थी। इसने क्या किया, बिशप क्रॉस H7 किया, बिशप क्रॉस H7 चेक, किंग H8, नाइट G6 चेक, क्वीन क्रॉस G6, अलावा कोई चारा ही नहीं, क्वीन क्रॉस G6, बिशप टू H6, क्वीन टू F6 चेक, बिशप G7 एंड क्वीन क्रॉस G7 और चेकमेट। सो इस तरह से काफ़ी टैक्टिकल गेम हुआ है, बहुत टैक्टिक्स चलाए सफ़ेद खिलाड़ी ने, और ब्लैक ने भी वो काफ़ी अंडरस्टैंड करके खेला है। तो ये एक फ्रेंच डिफेंस का मिनी गेम था, देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।